हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरी फर्स्ट फिंगर यानी बड़ी वाली दीदी आ रही है, मम्मी के यहाँ आई हुई है, और मेरी छोटी वाली बहन भी मम्मी के यहाँ पहुँची है। तो पीछे से हम और मेरी बेटी भी जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं मिलने के लिए दीदी से। चल बेटी, जल्दी जल्दी चलो, मौसी लोग पहुँच गई है, हम ही लोग को लेट हो गया क्योंकि आज सर आने, सर को आज जल्दी बुला ली थी, बोली कि जल्दी पढ़ लेते हैं, निकलेंगे आराम से निश्चिंत होकर के। चल बेटा जल्दी जल्दी, बारिश भी हो गया है, पूरा रास्ता भी खराब हो गया है, किच 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 हो गया है। यहाँ पर तो हमेशा जाम लगा रहता है, आज भी देखिए हम लोग खड़े हैं ऑटो के लिए, और जाम में की वजह से अभी ऑटो भी आने में दिक्कत हो रहा है, पड़ी है। वैसे तो जाम नहीं है, रास्ता क्लियर है, जल्दी पहुँच जाएंगे। बारिश का मौसम है और भी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। हम माय बेटी का तो हमेशा का आना जाना है, हम तो हमेशा ही आते हैं, लेकिन आज ऐसा घटना घट गया कि हम लोग थोड़ा सा मोबाइल चलाने लगे दोनों माय बेटी, और ऑटो वाला हम लोग को आगे लेकर चल गया, इसलिए अपोजिट रास्ता से हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता भी हम लोग को ज़्यादा चलना पड़ा, घूम घुमाव हो गया, बस आ गया मंजिल, अब घर मम्मी का दिखने लगा। तो हम लोग घर पहुँच गए फाइनली इतना चलने के बाद। बैठल है, सब ठीक है ना? प्रणाम करो जी, भूल गए क्या? प्रणाम करो। हाँ, आजकल आजकल तो जमाना कैसा आ गया है, किस हफ्ते से आई है? कैसे टेम्पो वाली नहीं रह गई तो ओला वाले हो गए हो गई है। जानती हो कितना रोई है? किस लिए रोई है? अंगूठे काट कर होते हुए आई। किस लिए रोई हो जी? वो अंगूठे काट होते हुए आई, हम तो डर गए कि क्या हुआ, कुछ बात हो गया क्या? हाँ हाँ, पापा भी डर गए पूरा। अपनी चल जाएगी तो चल जाएगा, तो परंपरा है, दुनिया का दस्तूर है, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर खजाना, तो ये तो हो रहा ही है, आज चाहे कल। सही समय पर सब बेटी अपने अपने घर चली जाती है, इससे अच्छा माँ बाप का खुशी का बात और कुछ नहीं रहता है। और साल भर बाद दीदी भी आई है, तो वह भी तो चल ही जाएगी। पूरा पटना हमारा सुना कर दी, गोविंद में दर्द कल पूरा चह गया था, कल दीदी आई थी तो फिर चली जाएगी। अच्छा लग रहा है ना, थोड़े दिन लगता है हम लोग अलग ही रौनक हो जाता है, घर भर जाता लगता है। आज हम लोग जानते हो घटना घट गया, आप लोग भी सुन लीजिए। आज हम लोग माई बेटी दोनों इतना रील्स बनाने के चक्कर में बहुत आगे चल गए हैं, अब वहाँ से हम लोग तेजी से झपट के आ रहे हैं, पूरा खिचखिचा रही है, अब बरसात का समय है। अच्छा, एलटी में आगे चल गए थे, अब पीछे पीछे से आ रहे हैं। पहले कौन पहुंचे थे तुम की वो? हम तो बैठे थे, हम तो ऑटो ऑटो कैंसिल कर देता है, दिमाग खराब हुआ। उस दिन भी मम्मी को दिखाने जाना था तो 6 को कैंसिल किया, लास्ट में फिर वही बेटों के साथ गए। बच्चों की मस्ती, ये सब दोनों तीनों सब मिल गए हैं, सब बहन आपस में प्ले कार्ड खेल रहे हैं, आजकल का गेम यही है बच्चों का। कौन क्या बोली, वो द्वार छकाई पीयू के मामा का तो तय हो रहा है, इधर बिहार में ना कहीं, कहाँ तो जगह का नाम बता रहे थे। मारो सर
खड़ी क्यों हो गई बेटा? दीदी अभी जवान है, इसको बूढ़ी मत समझो। देखो बच्चा लेकर ऊपर सीढ़ी चढ़ जा रही है। अब नानी दादी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, चलो। अब लाइन में बैठी बैठी लगी हुई है, सब बच्चों को खिलाना। हम लोग चल रहे हैं ऊपर मम्मी का घर, नया वाला घर देखने। चलो देख के आते हैं। पेंट पोचा तो ये गया है, अच्छा लग रहा है घर। हाँ, हो गई पूरा तैयारी। हाँ, हो गया है। हम लोग छत पे आए, क्या चोट लग गया क्या? हम लोग छत पे आए हैं तो इसकी फूहू की सहेली मिल गई है। कि ये सहेली है, दोस्त है ना? हाँ, दोनों सहेली दोस्त अपना मिल गई है भाई। डर जाती है ये, डर जाती नहीं, ये डर जाती है, ये छूने के लिए कोशिश करते हैं, ये डर जाती है। हाँ, क्यों तुम डरा देती हो? तुमसे बड़ी ना है वो दीदी ना है, तुम डरा देती हो बाबू। दीदी आई है ऊपर तो इसको अच्छा लग रहा है, आसमान को देख रही है, खुला विचार से सब देख रही है, चारों तरफ गांव का माहौल देख रही है। नोएडा में तो ऐसा माहौल देख, नोएडा में भी पूरा खुला एरिया है। जैसे गांव का माहौल तो नहीं ना है, है तो शहर, तो शहर ही रहता है भाई। चलो खोलो, प्रवेश करो रूम में, खोलो खोलो। चलो यही फ्लैट मम्मी का नया वाला बना है, अभी सब कचरा मचरा है ये। अच्छा, यही तक आके जहिया से घर में अच्छा है ना जी, पूरा बड़ा बड़ा है। बाबू कोहरा जी बाथरूम भी लंबा चौड़ा है, ठीक है। टाइल्स अच्छा पसंद पड़े दीदी? हाँ मम्मी पसंद। देखिए हम बहनों की मस्ती, दीदी तो छोड़ के चली गई थी पटना, तो हम लोग का तो रौनक ही कम हो गया था। अब हम लोग का ग्रुप एकदम मजबूत हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मम्मी के यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बगल में थोड़ा सा घर पे टहलने, कुछ दिन और। हाँ, एक हफ्ता और रहेगी, उसके बाद फिर चली जाएगी। दो से तीन साल बाद फिर हम यहीं आ जाएंगे। हाँ, बच्चों को सेटल करके उसके बाद अपना परमानेंट आ जाएगी। कहीं भी आत्मा कितना भी फैसिलिटी मिले शहरों में, लेकिन अपने देश में ही अच्छा लगता है। अपना देश क्या, भारत देश तो मेरा है, मतलब अपना राज्य जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ का खुशबू ही आपको खींच लाएगा। कितना भी अच्छा सा स्टाइलिस्ट में रहिए, लेकिन अपने जगह पे ही अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग घूमने निकल चुके हैं, सब बहने और बच्चे वहाँ। चलो तुम सब पलक छोड़ दी बेटा, क्या चीज क्या है, नहीं मन होता अंदर से। ये आ गए हैं हम लोग मम्मी के घर, दूसरे घर, दूसरे घर, नए वाले, नए वाले, ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू। तुम लोग को भारी लग रही है? चलो सब लोग क्रॉस रास्ता जगह देख करके क्रॉस करो भाई। साथ ही सखिया बचपन की गलियां, कितना अच्छा लग रहा है आज। यहाँ बगल में कमिटी हॉल है तो लगता है कि लड़की का विदागी हो रहा है। यही है हमारा घर, जब सभी लोग का वेलकम है हमारे घर में, आप लोग का स्वागत है। सभी बच्चों को, दीदी को, बहनों को, सबका वेलकम है। लक्ष्मी प्रवेश कीजिए आप घर में, पहले लक्ष्मी छोटी लक्ष्मी को।